पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देते हुए आमजन को पौधरोपण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले गायक विराग मधुमालती 1961 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए बुधवार को उदयपुर पहुंचे। गायक विराग नवी मुंबई से 14 सितंबर को निकले थे, जो नाकोड़ा जी तक जाएंगे। उदयपुर पहुंचने के साथ उन्होंने 24 घंटे लगातार 111 किलोमीटर पैदल चलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। विराग इससे पहले 5 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। बुधवार को उदयपुर पहुंचे विराग ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सेव मदर अर्थ मिशन के जरिए उनका लक्ष्य 1,00,000 पेड़ लगाना है और अब तक उनकी टीम 31,000 से ज़्यादा पेड़ लगा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ये यात्रा 14 सितंबर को नवी मुंबई से शुरू हुई थी, जो नाकोड़ा भैरव के दर्शन के साथ समाप्त होगी। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार उनकी मुलाकात एक दृष्टिबाधित गायक से हुई थी, उसके बाद उन्होंने भी 100 दिन तक अपनी आँखों पर पट्टी बांध दे रखी। वे आँखों पर पट्टी बांधकर ही कई जन जागृति के कार्यक्रम करते रहे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और आँखों की पट्टी ना खोलने पर आजीवन अंधे हो जाने की नौबत आ गई। 100 दिनों के बाद उन्होंने पट्टी खोली और नेत्रदान के लिए लगातार जागरूकता फैलाने के प्रयास किए। कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे ऐ भारत माँ, तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक, जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। जी, मैं विराग मधुमालती मुंबई से हूं और 15 सितंबर से इस ग्रीन वॉकेथॉन के लिए निकला हूं। करीब करीब 15 दिसंबर तक नाकोड़ा जी राजस्थान पहुंचने का प्रयास है और 1,00,000 वृक्षारोपण करने का एक मानस है, तो उसके माध्यम से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं और 31,000 के आसपास प्लांटेशन अभी तक हुआ है। जाते जाते हम लोग साथ में इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि 1,00,000 प्लांटेशन से भी कुछ होने वाला नहीं पर्यावरण का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बट इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनमें प्रकृति के बारे में जागरूकता निर्माण कर सकें, देन प्लास्टिक का यूज़ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम यूज़ करें उसका, इस पर हम जागरूकता क्रिएट कर रहे हैं संगीत के माध्यम से। और डेली सुबह चलना, फिर दोपहर में प्लांटेशन करना और शाम को म्यूजिकल भक्ति के माध्यम से अवेयरनेस ड्राइव, ऐसे इसका 3 फेज में काम हो रहा है। हाँ जी, उदयपुर में अभी एक तो परसों एक भक्ति संध्या हुई, अवेयरनेस ड्राइव हुआ बहुत अच्छे लेवल पे प्रतापपुरा में। अभी कल आयड में है, आयड जयंती, वहाँ पे एक ड्राइव है।
फिर केलवा में है, फिर पड़ासली में बहुत अच्छा प्लांटेशन का बहुत बड़ा ड्राइव करने वाले हैं हम लोग पड़ासली में भी। तो ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। टोटल अभी तक 971 के आसपास हुआ था, क्योंकि 960 जो बताया उसके बाद आज जो सुबह 10 किलोमीटर चले तो 970 के आसपास हुआ है, और 1200 प्लस जाएगा, 1300 के आसपास टोटल यात्रा होगी 1300 किलोमीटर की। नेत्रदान को लेकर भी जो आपने आपको पट्टी बांधी है, क्या उसका? देखिए, नेत्रदान के लिए जैसे 1998 से मैं अपने स्तर पे कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो लोग ब्लाइंड है, दिव्यांग है, उनकी क्या फीलिंग्स होती है वो मुझे पता नहीं। मैं बस बोल रहा हूँ कि नेत्रदान करो, नेत्रदान करो, लेकिन जो एक दिव्यांग व्यक्ति की व्यथा जानने के लिए मैंने वो ब्लाइंड फोल्ड किया था, ताकि मैं उनका पेन जान सकूँ और लोगों को फिर बता सकूँ कि क्या होता है एक अंधेरा जीवन कैसा होता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने प्लेज किया, एडोनेशन किया, वो एक बहुत सफल मिशन रहा।